आप लोग उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। सीटेट ने फाइनली आपका जो मार्कशीट था और सर्टिफिकेट था उसने डिजी लॉकर पे अपडेट कर दिया। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों कि सीटेट ने इस बार जो सर्टिफिकेट इशू किया है वो बीएड वालों के भी प्राइमरी और सेकेंडरी आएगी। आपके 1 से 5 तक के लिए भी सर्टिफिकेट जो हाई कोर्ट ने कहा था कि न जारी करे उसके बाद भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिजी लॉकर पे कैसे ये डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस है, वन बाई वन हम देखेंगे। आइए चलते हैं डिजी लॉकर पे और डाउनलोड करते हैं डिजी लॉकर पे सीटेट के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को। तो दोस्तों ये डिजी लॉकर एप्लीकेशन है, आपको गूगल प्ले स्टोर से डिजी लॉकर डाउनलोड कर लेना है। डिजी लॉकर डाउनलोड करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और आधार कार्ड से इसमें लॉगिन हो जाना है। तो बहुत ही आसान तरीका, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे मोबाइल नंबर आधार कार्ड डालेंगे, ओटीपी आने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है दोस्तों यहाँ पे सर्च बॉक्स में। यहाँ दोस्तों नीचे की तरफ देखेंगे तो एक सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आपको यहाँ पे सर्च में जाना है। फिर आप ऊपर देखेंगे सर्च डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट्स में आके सर्च करना है। क्या सर्च करना है, आप चूंकि टेट का डाउनलोड कर रहे हैं तो टीईटी सर्च करेगा। जैसे ही टीईटी सर्च करेंगे आप देखेंगे आपको यहाँ पर आ जाना है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट। तो हम सीधे एक काम करते हैं, सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। आइए हम सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं बच्चों। और जैसे ही आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो नाम है वो ऑलरेडी दिया रहेगा, मैंने बस एग्जांपल्स के तौर पे ये सोनू लिखा है। वास्तव में यहाँ पे आपका अपना नाम दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डाल देना है अपना रोल नंबर। रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, आपका जो एडमिट कार्ड था जिस एडमिट कार्ड पे आप एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ पे आपका रोल नंबर दिखा होगा, तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और फिर सेलेक्ट ईयर और मंथ, जैसे ही आप बच्चों यहाँ पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट और ईयर मंथ में, नीचे आपको दिसंबर 2022 सेलेक्ट कर लेना है। और दिसंबर 2022 सेलेक्ट करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल में इस तरीके से दिखाएगा टीचर एबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे फेचिंग लिखाएगा, मतलब वहाँ पे लोड किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर इंतज़ार करिएगा, जब ये रेड वाला चीज़ हट जाएगा वो अपने आप हट जाएगा, कोई इशू नहीं, ये हट जाएगा। हाँ एक बात और है कि कुछ लोगों का यहाँ पे नो रिकॉर्ड फोन बता रहा है, बहुत ही कम लोगों का, उनका भी जल्द अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे फेचिंग दिखा रहा है। और जैसे ही यहाँ पे फेचिंग कंप्लीट होता है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड होकर रेडी हो जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे रेडी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं बच्चों आपका मार्कशीट यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाता है। ऊपर आपका नाम ऊपर आपका नाम और रोल नंबर कैटेगरी और मदर्स नेम फादर्स नेम दिया रहेगा, साइड में आपकी फ़ोटो दी रहेगी, आपके पेपर वन की मार्कशीट और पेपर टू की मार्कशीट यहाँ पे दी रहेगी, आपको क्वालिफाइड और क्वालिफाइड बताया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आपका पेपर कौन सी डेट में था। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि इशू तो हो चुका है आपका सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ पे सीटेट देखिए क्या यहाँ पे लिख के कह रहा है। सीटेट आपसे कह रहा है कि द सर्टिफिकेट शैल बी अपीड बाई आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा उसके ऊपर ये मान्य होगा। कोर्ट रेंडर्ड इन द SLP, यहाँ पे केस नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इस केस नंबर से, इसके आउटकम आने के बाद, इसका जजमेंट आने के बाद ही ये आपका मान्य होगा प्राइमरी में। तब तक ये क्या किया गया, उसके अधीन रखा गया है, जैसा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था। तो इस प्रकार से बच्चों आपको डाउनलोड करना है अपना सर्टिफिकेट। मैं आशा करता हूँ कि डिजी लॉकर से आप ऐसे डाउनलोड कर लेंगे। तो इस वीडियो को फिलहाल इतना ही, फटाफट से डाउनलोड करके आप कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा रहा आपको ये वीडियो। खत्म करते हैं इस वीडियो को, जय हिंद जय भारत। ऐसे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जा सकते हैं। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, हो सकता है किसी आपके दोस्त को असुविधा हो रही हो डिजी लॉकर से डाउनलोड करने में, तो आप उस तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।